अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा तावीज जो अगर आपने बनाकर जला दिया तो आपकी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए आपके मोहब्बत में दीवानी हो जाएगी। जी हाँ, इस तावीज को बनाना तो बेहद आसान है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक शर्त है इसकी कि आपको इसे सिर्फ अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए ही बनाना है। आपको इसे किसी पर आजमाने के लिए या फिर ऐसे सिर्फ ट्राई करने के लिए नहीं बनाना है, आपको इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सच्ची मोहब्बत के लिए ही करना है। इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो या फिर कोई पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। इस कागज के अंदर आपको लकीरें डालनी है। पहली बात तो पहले तो इसको आपको चारों तरफ से ऐसे पूरी तरह से लकीरें डाल के बंद कर देना है। तो मतलब आप देख सकते हैं, मैंने इस कागज में ये यहाँ इधर इधर करके ऐसे चारों तरफ लकीरें डाल दी है। अब इसमें मेरे को बीच में इस तरह से मैं लकीर डालूंगी, ये आप देख सकते हैं बीच में मैंने तीन लकीरें और डाली है। फिर उसके बाद इसी तरह से मुझे इसमें और तीन लकीरें डालनी है। तो ये इस तरह के खांचे इसमें बन जाएंगे, देख सकते हैं आप, इसमें चार चार करके ये खांचे मैंने बना दिए। अब इसमें क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है कि आपकी जो मोहब्बत है, जिनके लिए आप ये कर रहे हैं, उनका आपको नाम लिखना है। एक आपको यहाँ पे नाम लिखना है और एक आपको यहाँ पे नाम लिखना है। इन दो जगहों पर आपको उनका नाम लिख देना है। इस तरह से नाम लिखने के बाद आपको बाकी का जो नक्श है वो भी खत्म पूरा कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से इसको बनाना है। 2 5 7 3, 2 5 7 2 5 7 3, फिर उसके बाद 2 5 और 3, यहाँ पे आपने नाम लिखा हुआ है अपनी प्रेमिका का। इस तरह से आपको इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। देख लीजिए इसे एक बार अच्छी तरीके से, ऐसे ही आपको इसको बनाना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से आपको मोड़ लेना है। इसमें मोड़ने से पहले भी आपको एक काम करना है कि इस कागज के ठीक पीछे आपको एक तरफ तो अपना नाम लिखना है और एक तरफ लिखना है आपको अपनी मोहब्बत का नाम। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दो नाम लिखे हुए हैं, एक लिखा है मैंने नगमा और दूसरा लिखा है मैंने, तो एक मैंने लिखा हुआ है नगमा और दूसरा मैंने लिखा हुआ है आसिफ। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने पीछे लिखा हुआ है ये लड़के का नाम और यहाँ पे लड़की का नाम। अब आपको क्या करना है, इस कागज को आप मोड़ लीजिए और उसके बाद आपको इस कागज को जलाना है। और जलाने के बाद आपको इसकी राख का क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ही ये वजीफा खत्म नहीं होगा, इसको एक स्टेप आगे तक लेके जाना पड़ेगा। इस तरीके से मोड़ दीजिए इसे, उसके बाद आपको इसे जला देना है। माचिस की मदद से आप इसे जलाइए और जब इसकी राख बन जाएगी तो